दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी जोन। दोस्तों आज के इस वीडियो में पॉलिटेक्निक के छात्रों के लिए, चाहे आप जो है पॉलिटेक्निक के फर्स्ट ईयर के छात्र हों, चाहे आप जो है सेकेंड ईयर के छात्र हों, चाहे आप जो है इस साल फाइनल ईयर के छात्र हों, सभी छात्रों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर के आ चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर बीटीयूपी की तरफ से आपके रिजल्ट के संबंध में, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के संबंध में, दोस्तों जो भी छात्रों ने इस बार जो है सेकेंड सेमेस्टर का या फिर फोर्थ सेमेस्टर का या फिर सिक्स सेमेस्टर का एग्जाम दिया है, छात्रों के दोस्तों रिजल्ट कौन से डेट तक आए इसके बारे में बताया गया है। और दोस्तों इसके साथ साथ जो है जो आपके सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के छात्र हैं, इनका जो है नेक्स्ट ईयर में जो है एडमिशन कब से स्टार्ट होगा, और इसके साथ साथ जिन भी कॉलेजों में अभी आपके इवन सेमेस्टर के प्रैक्टिकल एग्जाम बाकी हैं, दोस्तों इन कॉलेजों के प्रैक्टिकल एग्जाम कब तक हो जाएंगे, कॉलेजों ने अभी तक अपना प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं करवाया है, तो दोस्तों इन्हीं कॉलेजों की वजह से आपका रिजल्ट भी रुका हुआ है। दोस्तों यह जो बीटीयूपी तरफ से ऑफिशियल न्यूज को जारी किया गया है, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं ऑफिशियल न्यूज को। दोस्तों सबसे पहले आप जो है ऑफिशियल न्यूज का हेडलाइन देख सकते हैं, बताया गया है कि पॉलिटेक्निक सेमेस्टर परीक्षा खत्म, प्रैक्टिकल का पता नहीं। हाँ दोस्तों आप भी जानते हैं कि आपके जो इवन सेमेस्टर एग्जामिनेशन है वो बहुत ही पहले खत्म हो चुके हैं, और लगभग जो है बीटीयूपी द्वारा जो है पॉलिटेक्निक के 80% कॉलेजों में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी समाप्त हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों जो कुछ आपके 20% कॉलेज ऐसे हैं, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हों, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हों, चाहे एडेड कॉलेज हों, जिन्होंने अभी तक अपना प्रैक्टिकल का जो कार्य है, प्रैक्टिकल एग्जाम अपने कॉलेज में पूरा नहीं करवाया है, जिसके वजह से वे जो है बीटीयूपी को अपने यहाँ के छात्रों का प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं भेज पाए हैं, जिसके वजह से जो है बीटीयूपी को बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, जिसके वजह से आपके रिजल्ट में भी देरी हो रही है। इसके लिए बीटीयूपी ने क्या बोला है, क्या न्यूज आई है, चलिए आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। देखिए दोस्तों ये जो न्यूज है आपके लखनऊ से जारी किया गया है। देखिए बताया गया है कि पॉलिटेक्निक संस्थाओं की सम सेमेस्टर परीक्षाएं हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक प्रैक्टिकल परीक्षाएं अधर में है, जबकि लिखित परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन शुरू हो चुका है। लिहाजी विद्यार्थियों से लेकर पॉलिटेक्निक संस्थाओं के शिक्षक असमंजस की आखिरी प्रैक्टिकल की परीक्षाएं कब होंगी, प्रावधिक शिक्षा परिषद देश भर की सरकारी अनुदानित और निजी पॉलिटेक्निक संस्थाओं की लिखित और प्रैक्टिकल परीक्षाएँ कराता है। परिषद ने तय कार्यक्रम के अनुसार ही पॉलिटेक्निक संस्थाओं की सम सेमेस्टर परीक्षा 25 जून से 18 जुलाई के मध्य संपन्न करा दी है, लेकिन अभी तक प्रैक्टिकल परीक्षाएं पूरी तरह से संपन्न नहीं हुई हैं, जबकि प्रैक्टिकल परीक्षाएं मई से जून माह में ही पूरी होनी चाहिए थी। प्रावधिक शिक्षा के एक जिम्मेदार कर्मचारी के मुताबिक अभी तक करीब 40% निजी पॉलिटेक्निक संस्थाओं के प्रैक्टिकल होने बाकी हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर बहुत ही बड़ा डाटा जो है सामने निकल करके आ रहा है। दोस्तों जैसा कि बीटीयूपी बोर्ड ने अपने वादे के अनुसार जो है आपके जो एग्जामिनेशन है अब 25 जून से लेकर के 18 जुलाई तक कंप्लीट करा दिया था, लेकिन दोस्तों आपके जो प्रैक्टिकल कार्य हैं जो आपके कॉलेजों द्वारा कराए जाते हैं, बीटीयूपी ने उसे मई से जून के माह में ही पूरा करवाने के लिए बोला था, लेकिन दोस्तों बहुत सारे पॉलिटेक्निक के प्राइवेट कॉलेजों ने, निजी पॉलिटेक्निक कॉलेजों ने अपने यहाँ के पॉलिटेक्निक कॉलेजों का जो है प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं कराया है। अगर बात करें आपके पॉलिटेक्निक के प्राइवेट कॉलेजों की, तो 100 में से 60% कॉलेजों ने ही अपना प्रैक्टिकल एग्जाम करवाया है, जबकि 40% पॉलिटेक्निक कॉलेज अभी तक अपने यहाँ के छात्रों का प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं करवाए हैं। इससे जो है कि बीटीयूपी उनके ऊपर बार बार दबाव बना रही है कि आप जो है अपने प्रैक्टिकल एग्जाम को जल्द से जल्द करवाइए, जिससे जो है छात्रों के जो रिजल्ट है वो समय से जारी हो सके। दोस्तों आपके जो नए सचिव बने हैं बीटीयूपी के FR खान, इन्होंने देखिए यहाँ पर कुछ मुख्य इन्फॉर्मेशन दी है रिजल्ट के संबंध में, तो आपको इसको भी जानना चाहिए। देखिए क्या बताए हैं, देखिए बताए हैं कि अभी कार्यभार संभाला है, परीक्षा से संबंधित जानकारी एकत्र करवा रहे हैं, जल्द ही परीक्षकों की नियुक्ति कर प्रैक्टिकल परीक्षाएं कराई जाएंगी, हमारा प्रयास है कि परीक्षा परिणाम तय समय पर जारी हो। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे छात्र पूछ के मन में आएगा कि सर तय समय कौन सा है, तो दोस्तों आपको बता दें कि बीटीयूपी के अनुसार जो आपका तय समय है आपके रिजल्ट के घोषित होने का, वह आपका सितंबर का सेकेंड वीक है, यानी बीटीयूपी कहना यह है कि आपके जो रिजल्ट हैं सितंबर के दूसरे सप्ताह में जारी किए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके जो बीटीयूपी के नए सचिव बनाए गए हैं FR खान, इन्होंने जो है हाल ही में अपने कार्यभार को संभाला है, और इनका कहना यह है कि जिन भी कॉलेजों में भी प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं हुए हैं उन कॉलेजों में टीचर्स की व्यवस्था करेंगे और वहां पे जल्द से जल्द जो है आप उनके प्रैक्टिकल एग्जाम को संपन्न कराएंगे, जिससे जो है आपके रिजल्ट जो है समय के अनुसार जारी किए जा सके। तो ऐसे में जो पॉलिटेक्निक के फाइनल ईयर के छात्र हैं उनके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर अभी जो है आपके SSC JEE की जो नोटिफिकेशन है, SSC JEE की जो भर्ती है वह आ चुकी है, और SSC JEE के फॉर्म को भरने का जो लास्ट डेट है वह आपका 2 सितंबर 2022 है, अगर आपके रिजल्ट जो है 14 सितंबर या फिर 10 सितंबर या फिर
15 सितंबर को आएंगे, सर हम इस फॉर्म को, इस SSC JEE के फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो दोस्तों बिल्कुल जो है आप जो है बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर BTUP को जो है ध्यान में रखना चाहिए, पॉलिटेक्निक छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए। अगर BTUP जो है अपने समय से पहले यानी अगर लास्ट अगस्त तक भी आपके रिजल्ट को जारी कर देता है तो आप जो SSC JEE के फॉर्म को भर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों जो भी पॉलिटेक्निक के फाइनल ईयर छात्र हैं जिन्होंने इस बार भी एग्जाम दिया है, वे BTUP के ऊपर जो है किसी प्रकार से दबाव जरूर बनाएं, हो सके तो ट्विटर पर ट्रेंड भी कराया जाएगा जिससे जो है आपके रिजल्ट को पहले घोषित किया जाए। और आप सभी पॉलिटेक्निक के फाइनल ईयर जो छात्र हैं, SSC JEE की जो फॉर्म आई हुई है पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए, वे इस फॉर्म को भर सकें। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि पॉलिटेक्निक का जो कार्यक्रम है, पॉलिटेक्निक का जो शेड्यूल है एडमिशन कराने का, आपके रिजल्ट के घोषित करने का, कॉपी चेक करने का, प्रैक्टिकल कराने का, क्लासेस चलाने का, यह सभी शेड्यूल जो है पूरी तरह से BTUP का बिगड़ चुका है। कोई भी कार्य जो है अपने समय पर नहीं हो रहे हैं जिससे जो है पॉलिटेक्निक जो है दिन प्रतिदिन पॉलिटेक्निक का स्कोप गिरता जा रहा है और सीटें भी नहीं भर पा रही हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बताया गया है कि काउंसलिंग न शुरू होने से सीटें न भर पाने का डर। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल इस बार भी जो पॉलिटेक्निक की बहुत सारी सीटें जो है बिल्कुल खाली रहने वाली हैं। दोस्तों यहीं पर चलिए वीडियो को आप समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।